बस कुछ ही दिन रह गए हैं। वक्त हाथ से बीतता जा रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है भैया कि अंत में जीत आपके प्यार की ही होगी। और तेरे प्यार की भी। कान्हा भैया पत्थर थोड़ी ना जो नहीं पिघलेंगे। अरे इतने दिन इस घर में रहा, इतना तो समझ ही गया मैं जीजा जी को, मोम की तरह पिघल चुके अंदर से। जब उन्हें ये बात पता चली कि वो पिता बनने वाले, बस अपनी खुशी किसी को दिखा नहीं रही। और चिंता क्यों कर रही है, अन्नी है ना इस घर में, अन्नी का हाथ जिसके सर पे हो ना उसे बहुत दिन प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। भैया आप कहो तो मैं आपके लिए अन्नी से बात करूं। अरे पागल हो गई क्या बहना, अरे तेरी वो मेम, मेरा मतलब तेरी जो भाभी है ना, उसे सिफारिश, झूठ, फरेब, इन सारी चीजों से बहुत नफरत है। तो चिंता मत कर, अभी तो जाके आराम कर और मैं भी अपना काम करता हूं। क्या है ना बहना, जितने भी दिन बचे मैं मीठी को अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना चाहता हूं, ताकि उसे आदत लग जाए। अगर चला गया ना तो बहुत रोएगी वो। दुनिया की सबसे सुंदर प्रिंसेस इस कमरे में है? आइए ना पापा। वो एक्चुअली हम सोने की कोशिश कर रहे थे पर नींद ही नहीं आ रही थी। आप अभी तक सोए नहीं? आंसू छुपाएंगे मुझसे, मैजिशियन से आंसू छुपाएंगे। बस 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 माय लिटिल डार्लिंग, बस कोई भी खुश नहीं है, ना मीठी, ना आकाश, ना विष्णु, ना आप, और फिर भी ये नाटक चले जा रहा है। बस सिर्फ इसलिए कि मीठी आकाश को दूर करना चाहती है यहां से। नहीं पापा, सब खुश है, आपने देखा नहीं, बहुत प्यार करता है विष्णु मीठी से, और शायद मीठी भी। आपका ये जो मैजिशियन है ना, सबके चेहरे पढ़ लेता है, पर प्रॉब्लम ये है कि मीठी और आपकी माँ दोनों जिद पर अड़े, इसलिए ये नाटक बस चले जा रहा है। हो सकता है पापा, लेकिन शायद इसी तरह मीठी को एक नई जिंदगी मिल जाएगी, खुश रहेगी अपनी जिंदगी में। आपको पता है आपकी सुंदर आंख से जब एक आंसू गिरता है ना, दर्द होता है, दर्द बहुत दर्द होता है। आप चाहती है मुझे दर्द हो तो प्रॉमिस, प्रॉमिस। मुझे आंसू नहीं देखने ना आपको, promise my little princess, meri nanhi pari, meri nanhi pari, sab theek ho jayega। kyun aaye ho yahan? यहाँ क्यों आए हो? वो आपके शादी के कार्ड छप के आ गए, आपकी पसंद के नहीं, और पहला निमंत्रण भगवान को जाता है, इसीलिए राठौर साहब ने आपको और विष्णु को नीचे बुलाया।
तुम जाओ, मैं आती हूँ। राह देख रहे आपकी सब। मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगी। वैसे मेम साहब, आपको अगर अपने उलझे हुए बालों को सुलझाना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप तो जानती हैं कि ये काम मैं कितने अच्छे से करता हूँ, याद है ना? नहीं याद है और ना ही मुझे कुछ याद करना है। अब तुम जा सकते हो, प्लीज। बहुत जल्द आपके रिश्तेदारों में, आपके अपनों में शादी के कार्ड्स बढ़ जाएंगे। अब भी कह रहा हूं मैम साहब, ये जो भी नाटक कर रही है ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि दिल से आप किसी और की कभी नहीं हो सकती। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बिल्कुल नहीं। से बात करनी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तुमसे एक समझौता करना था। अगर तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। आप मुझसे जान देने को कहेंगे ना तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगी। मैं ये चाहता हूं कि तुम जाके आकाश से बात करो और उसे ये कहो कि वो यहां से चला जाए। उसके यहां रहने से मीठी का जीना मुश्किल हो गया है। अगर वो यहां से चला जाएगा तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। खाना, मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। पर ऐसा करने को मत कही। मैं जानती हूँ कि आकाश मीठी से बहुत प्यार करता है। आप खुद ही सोचिए क्या बीत रही होगी आकाश पे। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की शादी की तैयारियां चल रही है। और वैसे भी एक बार मीठी की शादी हो जाएगी फिर तो वो चला ही जाएगा ना। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर मेरा दिल जानता है कि ना मीठी आकाश के बिना जी सकती है ना आकाश मीठी की। तुम लोग प्यार की खातिर जीने मरने की बात नहीं करो तो बेहतर रहेगा। मैं जानता हूं आकाश यहां वापस क्यों आया है। वो यहां इसलिए आया ताकि वो मीठी को वापस आतिशगढ़ ले जाए और वहां पर जाकर उस पर फिर से अत्याचार करे, यही उसका मकसद है। और तुम्हारा इसलिए तुम यहां वापस लौट कर आई हो सुरभि। लेकिन एक बात याद रखना, मीठी के भाई के जीते जी आकाश मीठी को आतिशगढ़ नहीं ले जा सकता। याद रखना।